अस्सलाम वालेकुम। आज आपको चपली कबाब बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए कीमा लिया है आधा किलो, एक अदद बड़ी प्याज ली थी उसको बारीक काट लिया है, दो अदद बारीक कटे हुए टमाटर, दो अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, एक खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हसबे ज़ायका, दो खाने के चम्मच कुटा हुआ अनारदाना, चार खाने के चम्मच मकई का आटा, एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, एक खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ साबुत धनिया और आधा कप बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। कीमे में सब चीज़ें डाल देंगे, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, मकई का आटा, अनारदाना, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, प्याज, और टमाटर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको 1 घंटे तक रख देंगे ताकि कीमे में जितने मसाले हैं अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। अब कीमे के कबाब बना लेंगे। हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह कीमा लेकर इसके कबाब बना लेंगे। इस तरह के सारे चपली कबाब बनाकर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। चपली कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें ये कबाब डाल देंगे। जितना बड़ा आपको कबाब चाहिए आप उतना बना लें। तीन से चार मिनट तक चपली कबाब को पका लिया है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे।
दोनों चपली कबाब तैयार हैं, अब इनको निकाल लेंगे। चपली कबाब को फ्राई करके सर्व कर दिया है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके चपली कबाब कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।